जब तक कि व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है, बात क्लियर कर देते हैं। तो ये सब मोदी जी के बात कहने वाली बातें हैं, सरकार कर नहीं रही है। तो जो देश ईवीएम की चिप बना रहा है वो उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि इसमें हैकिंग हो सकती है, तो हमारा देश क्यों इस्तेमाल कर रहा है। तरक्की करनी है, इसका ये मतलब नहीं कि लोगों के वोटों को हेर फेर की जाए, तो इसलिए ईवीएम को हटाना बहुत आवश्यक है। जो काला धन स्विस बैंक में जमा है, सरकार तो इसी मुद्दे को कहकर आई थी कि काले धन को लेकर आएंगे, परंतु आज तक तो काला धन नहीं लेकर आए। देश के प्रधानमंत्री जी बोले थे कि हम तो किसान, हम आएंगे सत्ता में तो किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी, अब दुगुनी की बजाय आधी हो गई। यहाँ पर नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर एक जन आंदोलन हो रहा है। ये पब्लिक का प्रदर्शन है, धरना दे रहे हैं और तमाम मांगे इनकी सूचीबद्ध तरीके से लिखी हुई है। मांगे आप पोस्टर पर देख सकते हैं, लगातार ये एक सूचीबद्ध तरीके से कई सारी मांगे दी गई है, उसी को लेकर यहाँ मौजूद तमाम लोगों से हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्रदर्शन किस लिए किया जा रहा है और क्या मांगे हैं। जनता का एक समूह है जो कुछ मांगों को लेकर यहाँ पर आया हुआ है। सबसे पहली मांग, जो लॉकडाउन जो लगाया गया था, लॉकडाउन जो था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, इलीगल था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी देश के अंदर। तो लॉकडाउन से जो नुकसान हुआ व्यापारियों को और जो कर्मचारियों को, जो भी प्राइवेट वर्कर जो काम करता है, उसके नुकसान की भरपाई की जाए, एक मांग यह है। दूसरी मांग ये है कि जो वैक्सीन से मौतें हो रही है देश में, इस समय वैक्सीन से कम 3 करोड़ लोगों की मौत हो चुकी है। वैक्सीन से जो मौतें हो रही है उनके घर परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए। इसके साथ में जो विदेशों में हमारा ब्लैक मनी पड़ा हुआ है, उस पैसों को वापस लाया जाए, गौ माता को राष्ट्रमाता का मुद्दा है। तो ऐसे करीब 14 इशूज है, उनको लेकर हम यहाँ पर आए। तो मोदी जी तो ला रहे हैं ब्लैक मनी, बोल रहे हैं कि हम ब्लैक मनी लाएंगे पूरा। हाँ मोदी, धरोहर लेके आए हैं। हाँ जी, हाँ जी, मोदी जी ला रहे हैं। 9 साल तो हो चुके हैं सरकार को, और 9 साल में मुझे अगर आप बता दीजिए कोई 9 लाख रुपए भी आया हो देश में ना, तो ये सब मोदी जी के बात कहने वाली बातें हैं। सरकार कर नहीं रही है, इसीलिए प्रेशर बनाने के लिए कि भैया आपने कहा है तो कम से कम इस बात को पूरा करें। अभी भी आपके पास टाइम है, आपके पास 8-9 महीने का वक्त और बचा हुआ है, इस टाइम पे ले आओ। तो क्या लगता है, 9 साल में नहीं लाए तो 8 महीने में ला देंगे? हाँ, ये आपके बात बड़ी जायज है, लेकिन पब्लिक प्रेशर अगर बनता है, जनता का प्रेशर बनता है, तो कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपका आंदोलन कब से चल रहा है? हमारा आंदोलन जो फर्स्ट जो अभी हुआ था 30 अप्रैल को जंतर मंतर पर किया था, उसके बाद में 4 जून को किया, और ये तीसरा पब्लिक प्रोटेस्ट है। कोई असर हुआ उसका? हाँ, अभी तक तो सरकार की ओर से कोई असर नहीं हुआ है, अभी तक सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन जब लगातार प्रयास करेंगे निश्चित रूप से सरकार कुछ ना कुछ जवाब देगी उसके ऊपर। अच्छा, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे ईवीएम को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या दिक्कत है ईवीएम से? ईवीएम मशीन जिस देश में बनती है, जहाँ से उसका चिप बन के आता है, वो देश उसका यूज़ नहीं करता। ईवीएम बनती है जर्मनी में, ईवीएम बनती है जापान में, ईवीएम बनती है यूएस में, वहाँ कहीं भी ईवीएम से इलेक्शन नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं कि इसके अंदर मैनिपुलेशन का चांस रहता है। तो जो देश ईवीएम की चिप बना रहा है वो उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि इसमें हैकिंग हो सकती है, तो हमारा देश क्यों इस्तेमाल कर रहा है। तो ईवीएम की हैकिंग को रोकने के लिए हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से पहले इलेक्शन होते थे वैसे हो। तो डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है देश को, देश में तरक्की लाई जा रही है, क्या दिक्कत है? तो जापान, क्या जापान तरक्की का देश नहीं है? क्या जापान में तरक्की नहीं हो रही है? वो ईवीएम यूज़ क्यों नहीं करते? क्या जर्मनी तरक्की वाला देश नहीं है? वो तो हमसे विकसित देश है, अमेरिका हमसे विकसित। मैंने आपको 3 देशों का नाम बताया जो हमसे अधिक कई गुना विकसित है, तो वहाँ तो ईवीएम इस्तेमाल नहीं होती ना, वो लोग ईवीएम का प्रयोग नहीं करते, जानते क्यों इसके अंदर गड़बड़ होती है। तो ये तरक्की करनी है, इसका ये मतलब नहीं कि लोगों के वोटों को हेर फेर की जाए, तो इसलिए ईवीएम को हटाना बहुत आवश्यक है। कौन कर रहा है वोटों का हेर फेर? जो करेंगे, जो सत्ता में या जो चांस जिसे मौका मिलेगा वो करेगा। मतलब प्रधानमंत्री जहां जीत रहे हैं वहां ईवीएम के चक्कर में मतलब हेर फेर है। जो भी इसमें इन्वॉल्व है, बीच में इलेक्शन कमीशन से लेकर बहुत सारे लोग होते हैं इसके अंदर, पूरी एक चेन बनी हुई इस चेन के अंदर। इस चेन में कितने सारे लोग है, कौन कहां इसमें अपना इस्तेमाल करता है, कहानी जा सकती है। अरे तो जब ईवीएम का चक्कर होता है तो सारे राज्यों में जीत जाते हैं ना, कहीं कहीं हार भी जाते हैं, ऐसा भी होता होता है। यही तो मैनिपुलेशन होता है ना, आपको दिखाने के लिए कि अगर सब में जीतेंगे तो आपको भी विश्वास हो जाएगा फिर। तो ये आपको विश्वास दिलाने के लिए कुछ नाटक करना पड़ता है, तो कुछ नाटक करते हैं बीच में। आप ये बताइए, विकसित देश ईवीएम प्रयोग क्यों नहीं करते? मैं आपको कम से कम 20 देश बता सकता हूँ जो विकसित देश है वो ईवीएम प्रयोग नहीं करता। सिंगापुर नहीं करता है,
जरूरी थोड़े है, जो लोग करेंगे वही हम भी करेंगे, लोगों का कॉपी थोड़ी करना है। आपने बताया कि ये विकास हो रहा है, ये देश के अंदर देश की ग्रोथ हो रही है, ऐसा नहीं है। वो देश जो हमसे आगे हैं मैंने इस कंप्यूटर साइंस के अंदर, वो जानते हैं कि इसके अंदर मैनिपुलेशन का चांस बहुत ज़्यादा होता है, इसके अंदर वायरस आ सकते हैं, इसके अंदर हॉर्स ट्रोजन वायरस घुस सकते हैं, तो इसमें बहुत सी बातें हैं, तो वो सब चीज़ें जानते हैं, इसलिए यूज़ नहीं करते हैं इसको। आपने लिखा है अंग्रेजों द्वारा लूटा गया $400 ट्रिलियन वापस चाहिए, तो वो तो कोशिश तो कर रहे हैं, लगभग धरोहर जो थे वो ला रहे हैं मोदी जी वापस। धरोहर अलग मसला है, जो अंग्रेजों ने और जो ईस्ट इंडिया कंपनी से देश से लूट की थी, वो लूट $400 करोड़ से लेकर के $2000 करोड़ के बीच में है, जो कि लगभग प्रत्येक भारतीय का 14-15 करोड़ रुपये के आसपास बनता है। उस पैसे को वापस लाने की कार्रवाई शुरू करे सरकार, कम से कम वहाँ पर बात तो रखे कि हमारा पैसा हमको वापस दिया जाए। कोर्ट में होगा वो जो दावा है, वो इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर चलेगा और सरकार को वहाँ इंटरनेशनल कोर्ट में डालना चाहिए कि भाई हमें जो 400 ट्रिलियन डॉलर जो हमारा है वो इंग्लैंड से हमें वापस दिलाया जाए, क्योंकि इंग्लैंड ही तो लूट कर लेके गया ना, तो इंग्लैंड से वापस लेने की बात है उसको। अरे देश का जो पैसा लूट गया विजय माल्या और कई जो लोग लूट के ले गए, वो तो आया ही नहीं, देखिए तो वो अंग्रेजों वाला कैसे लाएंगे? उसको तो भगाया सरकार के ही लोगों ने, परंतु जो धन हमारा बहुत प्राचीन धन है, जो आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने लूटा, उस धन की वापसी चाहते हैं, और इस धन की वापसी भी चाहते हैं जो अब लूट कर लेके गए हैं लोग। जो काला धन स्विस बैंक में जमा है, सरकार तो इसी मुद्दे को कहकर आई थी कि काले धन को लेकर आएंगे, परंतु आज तक तो काला धन नहीं लेकर आए। इसमें जो अगला पॉइंट जो है ना, अगला पॉइंट यही है कि 1000 लाख करोड़ का जो स्विस बैंक जो पैसा है ना, ये विजय माल्या पैसा लेकर भागता रखता का पैसे को वहीं रखता स्विस बैंक के अंदर, यूके में अंदर, तो उस पैसे को भी वापस लाना है, वो मांग भी है हमारी। ऐसा नहीं कि आज़ादी के बाद जो लूट हुई है वो पैसा भी लाना है, और आज़ादी के पहले जो लूट हुई है वो पैसा भी लाना है। इसमें एक किसानों का भी मुद्दा है, किसानों को MSP की गारंटी चाहिए। आप किसानों से बात कीजिए, पिछले कई वर्षों में किसानों की आय आधी हो चुकी है। देश के प्रधानमंत्री जी बोले थे कि हम तो किसान हम आएंगे सत्ता में तो किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी, अब दुगुनी की बजाय आधी हो गई। यहाँ पर किसान नेता बैठे, उनसे बात कीजिए। तो ऐसी स्थिति हम चाहते हैं कि जो MSP की जो मांग है जो किसानों की, उस मांग को पूरा किया जाए। प्रधानमंत्री कहते हैं किसानों के खाते में 2000 रुपया तो जाता है ना महीने में, उससे क्या होता है 2000 रुपये से क्या होता है? एक जो किसान जो काम कर रहा है, आप उसके काम के जो फसल का जो पूरा पैसा है वो उसको आप दे दीजिए, तो आपको अलग से कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो जो किसान काम कर रहा है, उसकी जो मेहनत लग रही है, उसकी जो मेहनत ही पूरी नहीं हो रही उससे, तो किसानों को MSP की गारंटी मिलनी चाहिए। जो फसल जो उगा रहा है उसका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, MSP का मतलब ही न्यूनतम होता है, और न्यूनतम भी आप गारंटी नहीं कर रहे हैं। आपसे कोई मैक्सिमम तो मांग नहीं रहा कि मैक्सिमम मांग रहा है, MSP यानी कि मिनिमम पैसा मांग रहे हैं, तो वो तो मिनिमम तो गारंटी होना चाहिए ना। अच्छा एक बड़ा सवाल है कि विपक्ष और तमाम लोग लगातार सत्ताधारी जो BJP है और सरकार जो है उसको घेरते रहते हैं, आंदोलन भी कई सारे होते हैं, आपके इस आंदोलन का कोई असर होगा? क्योंकि उनके सवालों का कोई असर होता तो नहीं दिखता। देखिए विपक्ष और सत्ता पक्ष में आपस में टकराव चलता रहता है, हम लोग पब्लिक है, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, आप देखेंगे किसी पार्टी का बैनर झंडा कुछ नहीं है। जब पब्लिक कोई बात कहती है तो सरकार एक अलग तरीके से सोचती है, विपक्ष की बात को लगता है कि भाई ये पॉलिटिकल मैटर चल रहा है ना। हम जब पब्लिक मुद्दे को उठाती है तो लगता है कि नहीं भाई जनता खुद उठा रही है, तो इसका मतलब ये मैटर पॉलिटिकल मैटर नहीं है, ये जनता के दिल के मुद्दे हैं, तो इन मुद्दों को कुछ न कुछ समाधान सरकार को निकालना चाहिए और निकालेगी ऐसा हमें उम्मीद है। रोजगार के लिए कई छात्रों ने कितने सारे आंदोलन किए हैं, सुना क्या सरकार ने? देखिए रोजगार के मुद्दे पर आपको एक बात तो बताना चाहता हूँ, अभी आने वाली है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम आने वाला है, रोबोटिक्स आने वाला है, रोबोटिक्स आने के बाद ये पुलिस की जो नौकरी है वो जाने वाली है, आर्मी की नौकरी जाने वाली है, और आपके मीडिया वालों की नौकरी जाने वाली है, क्योंकि आप जो प्रेस रिपोर्टर है ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग करेंगे। तो सरकार को ये सब चीज़ें देखनी होगी कि भाई किस प्रकार से विकास के साथ साथ लोगों का परिवार कैसे चले। विकास हो रहा है, सरकार जो कहती है विकास हो रहा है वो सरकार, आपको क्या लगता है विकास हो रहा है? अब आप देखिए जिस देश पे ये सरकार जब आई 55 लाख करोड़ कर्जा था, और आज हो गया 155 लाख करोड़, यानी कि 3 गुना कर्जा हो गया है। पिछले 60 वर्षों में सरकार ने जितना देश ने कर्जा लिया, 9 वर्षों में सरकार ने दुगुना कर्जा लिया, तो वो 3 गुना हो गया, ठीक है। तो देश में विकास भी तो दुगुना होना चाहिए ना, अगर आप डबल पैसा खर्च कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ तो कहीं दिख नहीं रहा है।
तो निश्चित रूप से ये पैसा जो है मिसमैनेजमेंट होकर के करप्शन के रास्ते वापस स्विस बैंक जा रहा है, इसीलिए हमने मांग रखी कि स्विस बैंक से सारा पैसा वापस लाया जाए। करप्शन फैला कौन रहा है, थोड़ा डिटेल में समझाइएगा। और उसके सामने सरकार, देखिए करप्शन कौन फैलाता है, जिसके पास पावर है वही करप्शन फैला सकता है। आप और हम तो क्या करप्शन करेंगे, आपके पास क्या पावर है, आप मीडिया से आवाज उठा सकते हैं। तो जिसके पास पावर है, जहाँ भी जो बैठा हुआ है, एक अगर इलेक्शन कमिश्नर है वो करप्शन कर सकता है, एक थाने का SHO है वो करप्शन कर सकता है, देश का प्रधानमंत्री है या मंत्रिमंडल है वो करप्शन कर सकता है, जिसके पास पावर है वही करप्शन कर सकता है। तो जिनके पास पावर नहीं वो कैसे कर सकते हैं? तो निश्चित आप कह रहे हैं कि जो पावर में है वो करप्शन कर रहा है, लेकिन जनता कहती है कि यही सरकार जो है वो ईमानदार है, सबसे ईमानदार सरकार अब की बार आई है मोदी की सरकार। हम आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, देश में 55 लाख करोड़ से कर्जा बढ़ के 155 लाख करोड़ हो गया, 3 गुना। देश के हित में लिया है, देश में लगाया है। तो देश में कहाँ लगाए दिखा तो दो। उनके पास तो कोई है भी, परिवार भी नहीं है कि खर्च करेंगे, सब तो देश में ही लगा दिया। 100 लाख करोड़ देश में लगा दिया तो वो कुछ दिखना तो चाहिए कि यहाँ लगाया, वहाँ लगाया, कहाँ लगाया, कोई उससे कोई बड़ा काम तो होना चाहिए। कुछ सड़कें बनाई है वो एक बारिश में टूट गई है, अभी हिमाचल में सुना मैंने वो सड़कें बनाई थी वो एक ही बारिश में टूट गई हो, तो ये तो आप विकास नहीं हुआ ना। ये सारा पैसा बंदरबांट हुआ है, सारा करप्शन में गया है, और करप्शन में जा करके वापस जिस देश से वो आया था, लोन आया था, उसी देश के पास चला गया पैसा। तो जैसे कि आपने हाँ जी कह रहे हैं कि विकास हुआ कि नहीं, तो विकास तो होवे किया है, एक डॉलर बराबर 82 रुपया हो गया है। आप बोल रहे हैं कि कौन अच्छा नेता है, तो नेता तो सब मिलकर तो वो कहते हैं कि मुद्रा नीचे नहीं जा रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है, एक डॉलर बराबर इतना नीचे पैसा गिर गया, और बोल रहे हैं कि कौन नेता अच्छा है, तो कौन नेता तो सब मिलकर तो एक डॉलर बराबर 82 रुपया किया है शुरू से 1947 से लेकर आज तक ला, सब आप समझ जाइए कि कौन नेता अच्छा है ना है, ये तो सीधा सीधी बात है। आप बताइए कौन अच्छा है कौन बुरा है, आप बता तो दिए कि सब नेता मिलकर एक 1947 से लेकर अब तक एक डॉलर बराबर 82 रुपया कर दिए सब मिलकर, तो समझ जाइए कि कौन नेता अच्छा है ना है, अपना दिमाग लगा लीजिए, बात है इतने से। तो पब्लिक आपसे जानना चाहती है, वो तो समझ गए हम, नहीं नाम लेकर बताने हैं अच्छा कौन है। 1947 से हम तो बता रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि 1947 से लेकर आज तक एक रुपया जो 82 पे पहुंच गया, तो जितनी भी सरकार आई है तमाम जिम्मेदार है उसके लिए। सभी जिम्मेदार है, हम आपकी बात सुन रहे हैं। तो अब जो है अच्छा कौन है, कौन संभालेगा देश को? जब तक की व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है, बात क्लियर कर देते हैं। और ढेर भी देखते हैं कि ढेर कहता है कि इस सरकार धर्म के नाम पर लूट रही है, कोई इस सरकार जाति के नाम पर जीतता, आप बता दें धर्म और जाति के नाम पर कोई भी सरकार नहीं जीतता। यहाँ पार्लियामेंट में गलत थोड़ा सा हो रहा है, गलत ये हो रहा है कि पार्लियामेंट को सिर्फ इतना करना चाहिए था ना कि हम जो जैसे मांगते हैं ना कि कोई भी सत्ता चलाने के लिए कोई भी पार्टी को 51% कम से कम लाना चाहिए वोट, कम से कम रहना चाहिए सत्ता, तो हमको 51% शुद्ध चाहिए, कोई भी पार्टी चाहिए, गठबंधन नहीं चाहिए। गठबंधन पर तो अथी हो रहा है, इसको से जुड़ा रहा है, वो ये है जो आधा इसके नाम पर दे रहा है, ये इसके नाम पर दे रहा है, तो इसीलिए गठबंधन नहीं होना चाहिए, हमको शुद्ध चाहिए, कोई भी पार्टी चाहिए ना 51%, तो हमको शुद्ध चाहिए वोट। और ये भी एक चाहिए कि MP में जितने भी बैठते हैं पार्लियामेंट में वो 51% वोट लाए, तब आइए MP बैठे ना तो ना बैठे, तो कोई भी नेता कोई भी अथी आपको जाति और धर्म के नाम पर कभी नहीं लड़ाएगा, सीधा विकास के मुद्दा पर बात करेगा। और विधानसभा में भी एक बात लाइए कि हमको जितना विधायक चाहिए 51% वोट रहना चाहिए, कम से कम न्यूनतम मैंने 51%। जब ये बात अगर पार्लियामेंट मांगना चालू कर दिया ना, तो हम वादा के साथ कहते हैं कि कोई भी जाति और धर्म के नाम पर एगो शब्द तक नहीं मांगेगा, जब भी आपसे मांगेगा तब विकास के नाम पर वोट मांगेगा, क्योंकि उसको 51% अचीव करना है। अरे ढेर है जो अभी 18% बनता है, लेकर चल 18% बना के वोट रहता है और वो आ जाता पार्लियामेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट में एक रूल होना चाहिए, थोड़े पार्लियामेंट के सिर्फ इतना चाहिए वो कहे पार्लियामेंट कि हमको शुद्ध अगर कोई पार्टी चाहिए तो 51% वोट शुद्ध होना चाहिए, किसी से कोई गठबंधन नहीं, हमको शुद्ध पार्टी का चाहिए। और MP भी चाहिए तो हमको प्रत्येक MP 51% न्यूनतम 1% वोट रहना चाहिए, वो MP आए हमारे अथी में।
और विधानसभा में भी ये कहिए, कहे कि हमको 51% विधायक का वोट रहना चाहिए, इससे कम नहीं कोई भी रहे 51%। साफ तौर पर आप सुन सकते हैं ये जन आक्रोश है, जनता की आवाज है, और साफ तौर पर इन्होंने एक रणनीति बना दी है कि बता दी कि एक रूल होना चाहिए संसद में जहां पर 51% से कम वोट को अलाउ नहीं करना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो लोग विकास के नाम पर वोट मांगेंगे, जाति की राजनीति जो होगी वो बंद हो जाएगी और देश का विकास होगा। बाकी पूरी बातचीत पर प्रतिक्रिया देना ना भूलें, देखते रहिए जनहित आवाज, कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी।